Now today, let's start with chapter number 11, motion and masonry resistance. In this chapter, we will study about the measure. Motion ke baare mein padhenge and how we measure the distance between different different objects. How measure but the distance, I will tell you how to measure distance. Take it. Now, we do different activities in our life. We require movement of our body part. Movement is very important for living beings in performing their activity. Human being, animal, in even plants show movement. Living things can move on non-living things as well as. Okay, living things may move karti. Non-living things may move karti. Lekin wo apne aap move nahi karti. Wo living being ko usko move karwana padta. Nature can also move a thing around. The movement of air from one place to another is natural process. Bhai, ab hawa chal rahi. कुछ चीज उड़ के एक प्लेस से दूसरी प्लेस चलेगी वो क्या है एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है नाउ ऑन मूविंग थिंग्स वन अदर थिंग्स एज वेल एज मूविंग एयर कॉजेस मूवमेंट ऑन द लीव्स ऑफ ट्री डस्ट पार्टिकल्स फ्रीली लाइंग ऑब्जेक्ट लाइक पेपर्स द वर्ल्ड अराउंड अस एग्जिस्ट वेरियस काइंड ऑफ मोशन अ मोशन मेक अ थिंग मूव क्लोजर टू अस फार्दर फ्रॉम अस जो गैप होता है बिटवीन द दो ऑब्जेक्ट वो क्या होता है बहुत ज्यादा क्लोज होता है अब देखो क्या हुआ हवा चली पेड़ के पत्ते गिरते पीछे पीछे गिर वो एक नेचुरल प्रोसेस है किसी ने तोड़े थोड़ी है वो तो हवा की वजह से कुछ नेचुरल चीज की वजह से जो पेड़ चल रही थी उससे वो टूट के नीचे गिर गए नाउ अर्लियर ट्रांसपोर्ट अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अगर अर्लियर डेज में आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट वॉज नॉट देयर जो लोग होते थे वो बाय द फुट मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर For take for carrying their goods or for moving to the far distant places, and it was not easier and it took lot of time. So, धीरे धीरे क्या हुआ लोगों ने transportation जैसे किसी ने भी नहीं ढूंढा मतलब एक log of wood था उन्होंने इसको sky तो वो roll down करके नीचे जाने लगा तो लोगों को लगा कि नाई wheel बनाने का काम तो उन्होंने wheel बनाई wheel की help से वो गुलाब carts में लगाते उन्होंने थोड़ा उनको जो distance है जाने का वो क्या होगा मतलब वो ईजली जा आन ठीक है ऐसे ऐसे करके अब मॉडर्न टाइम में आपने देखा होगा कि अब तो इतने सारे ट्रांसपोर्ट है लोग अपने व्हीकल कार बसेस बाइक्स मोटरसाइकिल साइकिल्स का यूज करते हैं फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर डेज व्हेन मैन वाज नॉट एडवांस देन देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपेक्शन ऑन बोर्ड मैन हैज टू मूव ओनली बाय फुट लोडेड थिंग्स ऑन द बैक ऑफ सम एनिमल्स देयर आफ्टर came the invention of wheel. The discovery of wheel was a great achievement in the hopes of transport. जैसे मैंने आपको बताया कि invention of the wheel था वो सबसे बड़ा achievement था हमारे modes of transport. ठीक है? The steam engine led to development of automobiles. On water, motor boats and ships are used to transport. In 19th century, air trains were developed to carry passengers. ठीक है अगर हम बात करें 19th सेंचुरी में एरोप्लेन डेवलप करे गए थे फॉर कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये क्या था सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी इन योर डेली लाइफ यू मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट द टाइम ड्यूरिंग द डे द वेट ऑफ वेजिटेबल्स बॉट फ्रॉम अ वेजिटेबल सेलर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे वी सी हाउ हॉट और कोल्ड इट इज द स्पीड ऑफ कार You are traveling in quantities like length, weight, mass, temperature, speed can be measured by measured hard physical quantities. ठीक है ये जो चीजें हम measure करते हैं वो सब क्या है आपकी physical quantities जैसे आपका length हो गया weight हो गया temperature हो गया time हो गया. In olden days, length was measured on the basis of some part of human. पहले hand pump, foot, tubing इनका use किया जाता था measurement करने के लिए. ठीक है लेंथ को मेजर करने के लिए देखा ना हम हाथ से एक गिलान दो गिलान ऐसे नाप रहे लेकिन वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं थी तो धीरे धीरे क्या हुआ स्केल्स आए फॉर मेजरिंग द थिंग्स स्केल्स का यूज करना इंसिटेट देखा हुआ हमने टेलर यूज करते हैं ठीक है उनका यूज करा गया फॉर मेजरिंग जो क्या हो रिलायबल वॉट इज मेजरमेंट यू मस्ट हैव मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इन स्केल यू मे फाइंड दैट लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 12 सेंट आपने नोटिस करा कि जो मेजरमेंट है उसके दो पार्ट्स हैं अ नंबर एंड द नेम ऑफ यूनिट ऑफ मेजर एक तो नंबर है और एक क्या है नेम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ठीक है जो नंबर क्या है 12 है और यूनिट क्या है सेंटीमीटर देखो 12 सेंटीमीटर नंबर तो क्या हो गए 12 और यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर
दिस यूनिट सेंटीमीटर स्टैंडर्ड लेंथ दैट इज नोन टू अस. सो व्हेन यू मेजर द लेंथ यू कंपेयर द अननोन लेंथ विद द नोन लेंथ. इसमें क्या हुआ, इसे 12 सेंटीमीटर है, इसमें आपको लेंथ पता है. 12 तो क्या है, उसका नंबर है और जो उसकी यूनिट है वो कितनी है, सेंटीमीटर. अगर हम बात करें स्टैंडर्ड यूनिट की, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, पहले क्या होता था, डिफरेंट कंट्रीज की अपनी अपनी यूनिट होती थी मेजर कर. लेकिन सर क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था. तो 1960 में एक जर्नल कॉन्सेंसिव मेड ऑन मेजर्स थे, उन्होंने क्या रिकमेंड करा, एक कॉमन सिस्टम रिकमेंड करा, दैट इज SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट. देश का नाम क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इन फ्रेंच. इन दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट मीटर की क्या है, मीटर क्या है, लेंथ की है, किलोग्राम मास की है, सेकेंड टाइम की, और केल्विन क्या है, टेम्परेचर के स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, और सेल्सियस. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है. पूछ सकते हैं कि आपसे इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, दैट इज एम्पियर, क्योंकि ये तो ज़्यादातर सबको नोन होती है, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर. इन आर कंट्री द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर मेंटेन बाय नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एट न्यू दिल्ली. जो हमारे यहाँ हमारी कंट्री में जो स्टैंडर्ड यूनिट को मेजर करता है वो कौन है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जो आपकी कहाँ है, न्यू दिल्ली. द स्टैंडर्ड मीटर एंड द स्टैंडर्ड किलोग्राम्स आर कैप्ट एट एंड द मीटर रॉड्स एंड किलोग्राम वेट्स आर यूज इन द मार्केट. अ टाइम स्टैंडर्ड इज मेजर्ड एट NPL. द स्टैंडर्ड क्लॉक मेंटेन, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लॉक बनाई गई है जो एक्यूरेट टाइम भी करते हैं, ठीक है. नाउ इन एवरी डे मेजरमेंट अदर सिस्टम्स आर स्टिल यूज, जैसे कि आपने FPS सिस्टम, FPS सिस्टम क्या होता है, फुट पाउंड सिस्टम, CGF सिस्टम, सेंटीग्रेड सिस्टम, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है. और आपका MKS सिस्टम होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड. ये क्या है, ये 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है, दैट इज आपका FPS, फुट पाउंड और सेकेंड, SGS, सेंटीमीटर, ग्राम और आपका सेकेंड, और MKS क्या है, आपका मीटर, किलोग्राम और सेकेंड. जो आपका MKS सिस्टम है वो यूज करता है सेम यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड SI सिस्टम. आपको क्या करते हैं, अमेजिंग टेप एंड मीटर रॉड कैन हेल्प यू टू गेट एन आइडिया अबाउट द लेंथ ऑफ 1 मीटर कैलकुलेशन. मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज टू मेक लार्ज बैग. अगर आप मल्टीपल्स के हिसाब से करोगे तो जो आपकी मेजरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. फ्रैक्शन ऑफ सब मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट आर यूज टू मेक स्मॉल मेज. ये स्मॉल मेजरमेंट्स करने के काम आती है. यू कैन एक्सप्रेस द हाइट ऑफ अ ट्री और अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ह्यूमन मीटर, बट इफ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ बुक और ए पेंसिल बॉक्स यू विल नीड स्मॉलर देन मीटर यूनिट, जिससे हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है. और जो सेंटीमीटर का मतलब होता है 100, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ये आपको सबको पता होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर. अगर हम 1 लीटर में बात करें तो 1/1000 सेंटीमीटर. देखो कुछ ही होता, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है. अगर हम 1 किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से. इफ वी गो फ्रॉम मीटर टू किलोमीटर वी डिवाइड बाय 1000. इसमें क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड कर. जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट करने के लिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ. इसमें दिया है आपको 78950 मीटर, इसको आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है. तो मीटर में दिया है, मैंने आपको बताया मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर को, ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है. तो 1 मीटर कितना है, 78950 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका कितना आंसर होगा, 78.95 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है. ये क्या था, कन्वर्जन था. आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट. राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट,
जैसे सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप एंड सिंबल्स आर नॉट अल्टर्ड विद प्लूरल, ना तो इसमें कोई फुल स्टॉप लगती ना इनको हम प्लूरल्स में, ठीक है। जैसे सिंबल्स फॉर यूनिट्स आर यूजुअली रिटर्न स्मॉल लेटर एंड सिंबल फॉर यूनिट राइट फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिफिक लेटर इन कैपिटल केल्विन या सेल्सियस, इनको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर, लेकिन औरों को नहीं लिखते। हम कैसे लिखते हैं? मीटर स्मॉल लेटर में लिखते हैं, किलोमीटर, ठीक है, ऐसे। नाउ नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, अब एक बार बताओ मेजरमेंट तो पहले भी होती थी, तो फिर एक एक्यूरेट मेजर की नीड, मेजरमेंट की नीड क्यों थी अब, ठीक है। अ टेलर मेजर लेंथ, अ वेजिटेबल सेलर मेजर मास, मिल्कमैन मेजर वॉल्यूम, आर्किटेक्ट मेजर एरिया ऑफ प्लॉट, व्हेन यू हैव फीवर यू हैव टू मेजर टेंपरेचर, ऑल द मेजरमेंट मस्ट बी मेड एक्यूरेटली यूजिंग स्टैंडर्ड। इफ अ टेलर डज नॉट मेक, देखो अगर आप बात करें कोई टेलर है, अगर वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले रहा है आपके ड्रेस बनाने की, तो वो आपको ड्रेस फिट नहीं, यही वजह है जिससे एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत। अब दूध वाले ने आपने कहा एक लीटर दूध दे दो, उसने मेजर ले रहा उसने आधा लीटर, ठीक है, आप तो एक लीटर के पैसे दे, तो उसके मेजरमेंट भी क्या होगी, गलत। नाउ मेकिंग एक्यूरेट मेजर, भाई एक्यूरेट मेजर बनाने के लिए या करने के लिए हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स का यूज करा हमने, कुछ मेजरमेंट के लिए लेंथ का, डेप्थ का, थिकनेस का यूज करा, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। अ मीटर स्केल इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लोथ, और जो वही वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल किसके लिए यूज कर जाता था, वेजिटेबल्स वगैरह के बेचते हैं, देखा ना, हम समझी लेते हैं तो उसमें तोलते हैं कि कितने ग्राम है, कितने किलो है, ठीक है, और हम मीटर स्केल का यूज करते हैं क्लोथ की लेंथ ना, ठीक है। नाउ फॉर मेजरिंग टेप इज यूज, ऑर्डिनरी वेइंग स्केल इज यूज बाय वेजिटेबल वेंडर, कैन नॉट बी यूज मेजर द मास ऑफ फ्लावर पॉट, ठीक है, इसके लिए आपको एक फिजिकल बैलेंस चाहिए हो। नाउ देयरफॉर टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट यू मस्ट बी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट एंड नो हाउ टू डू, देखो कुछ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट है जिनका हम यूज करते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि आप उसका यूज कैसे करें, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विथ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस एंड हाइट आर ऑल मेजरमेंट ऑफ लेंथ, रूलर्स, मीटर स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स आर सम इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज टू मेजर लेंथ। अगर आपको मेजर करना है लाइन सेगमेंट को, कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे चीप द रूलर एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ कैन बी मेजर्ड, आपको प्रॉपरली रखना है जिससे आपकी लेंथ मेजर। डू नॉट यूज वर्न आउट पोर्शंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वेरी ऑफ्टन द मार्किंग एट द एंड्स द रूलर गेट्स यूज टू ओवरइंग, इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, फुल मार्क लगाना है रूलर पे इंस्टेड ऑफ ओ मार्क। कीप योर आईज वर्टिकली अबव द पॉइंट, आपको अपनी आईज को वर्टिकली अबव द पॉइंट रखना है। On studying the result carefully, we find that measurements are not exactly equal. We will observe the difference between maximum and minimum measurement. यही reason है that tape gets elongated when stretched. Tape को अगर आप stretch कर रहे हो तो वो elongate हो जाती है, लंबी हो जाती है, इसलिए जो measurement होता है वो भी सही नहीं आता। To measure length of curved line, भाई अगर आपको curved line का measurement करना है तो हम किसका use करते हैं, तो thread का use करते हैं या फिर divider का use करते हो, ठीक है। यूजिंग थ्रेड, मेक अ नॉट ऑफ वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड प्लेस द नॉट ऑन द बिगनिंग ऑफ द पॉइंट एंड प्रेस इट विद योर फिंगर, प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ थ्रेड एग्जैक्टली अलोंग द लाइन, प्रेस द अदर हैंड टू द पोर्शन विद योर अदर हैंड, जो थ्रेड बिटवीन योर टू फिंगर, जब टू फिंगर के बीच में जो आपकी थ्रेड होगी, जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम, ठीक है। इसलिए हम उसको कैसे मार्क करते हैं, दिस वे ट्रेस द एंटायर लेंथ ऑफ कर्व लाइन विद दैट थ्रेड, मार्क द थ्रेड वेयर इट टचेज द एंड, फिर आप इससे कर सकते हैं, आप उस पोर्शन की लेंथ को नाप के देख सकते हैं उसकी जो कर्व लाइन है उसकी लेंथ क्या है। नाउ यूजिंग डिवाइडर, अ कर्व लाइन कैन बी डिवाइडेड टू लार्ज नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, जैसे आपने देखा हम मेजर करते हैं लेंथ ऑफ कर्व लाइन, डिवाइड करते हैं पी क्यू क्यू आर आर एस ए वी बी सी सी डी, ऐसे हम मार्क करते हैं ना सर बहुत सारी लाइन्स। नाउ the length of curved line, the number of steps x, the distance between two points, length of remaining portion if any at the end. ab hum measure karna hai diameter of the circle, hum scale ke through with the help of scale you can measure diameter of circle, hum scale se kar sakte hai isi,
with the whose center is marked, but how big is the diameter of cricket ball whose center is not marked? देखो जिसका सेंटर मार्क है उसको तो आप इजिली कर सकते हो, लेकिन जिसका सेंटर मार्क नहीं है उसको आप नहीं कर सकते। जैसे आपके फुटबॉल, इसका कैसे आप मार्क करेंगे? इसका तो सेंटर मार्क नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? दिस इज डन बाई यूजिंग टू वुडन ब्लॉक्स फॉर मेकिंग एन एक्यूरेट मेजर। यू मस्ट इंश्योर दैट सर्फेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स टचिंग द बॉल्स आर एग्जैक्टली पैर। देखो तो सर्फेस होनी चाहिए दोनों की, क्या होनी चाहिए? पैनल हो। देखो दोनों पैनल है। नाउ आपको अगर थिकनेस ऑफ कॉइन मेजर करना है, आपने लिया 10 1 रुपए कॉइन लिया तो एक ऊपर रखा, ठीक है, आपने इसकी थिकनेस देखनी है, तो आप किससे करेंगे? स्केल से मेजर करेंगे और डिवाइड करेंगे थिकनेस बाई 10 टू गेट द थिकनेस ऑफ 1 कॉइन। उससे क्या होगी, आपको एक कॉइन की थिकनेस पता चल जाए। नाउ मोशन, मोशन क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन। मोशन क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अपुश और अपुल इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। देन टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड, अ कार इज मूविंग ऑन रोड, आफ्टर सम टाइम यू सी अ कार बी चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी। तो कार किसमें है? मोशन में। भाई इस कार पहले ए पे थी, फिर तो यहाँ पे चली गई, तो इससे क्या हुआ, इसमें मोशन हुआ, इसने अपने पोजिशन को चेंज करा है। और रेस्ट क्या होता है? जब वो मूव नहीं करता एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो वो क्या होता है? रेस्ट होता है। दे आर दस वीकेंड से एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग और अ ट्रेन, जितने जब वो चेंज है। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजिशन चेंज नहीं हो रही तो वो किस पे है? रेस्ट। टाइप्स ऑफ मोशन, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर, सर्कुलर, रैंडम, रोटेशनरी, ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे और अ कार और अ एरोप्लेन ये मूव करते हैं, ये क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें क्या होता है, जो सारे पार्ट्स हैं वो मूव कर, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे और सेम इंटरवल, ठीक है। इससे कार क्या कर रही है? मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पे भी और कर्व लाइन, ठीक है। इन बोथ द केसेस इट हैज ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा मोशन है? ट्रांसलेटरी। फिर है लीनियर मोशन, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, जैसे एप्पल फेलिंग फ्रॉम अ ट्री, रेक्टिलिनियर है बिल्कुल स्ट्रेट गिर रहा है। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द पाथ, इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। नाउ रैंडम मोशन, समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट हैव एनी ट्रांसलेटरी मोशन बट मे कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वो क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, जैसे हम हॉकी बॉल है करता ना, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। रोटेशनरी मोशन, जब आप जैसे सीलिंग फैन आपने देखा होगा जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं? रोटेट करते रहते, ठीक है, उसको क्या कहता है? रोटेशनरी मोशन कहा जाता है। देखता होगा आपने वो फिक्स पॉइंट पे लगा होता है, खाली जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव कर, तो वो कैसा मोशन हो गया? रोटेशनरी। ऑक्सीलेटरी जो टू और फ्रो मोशन होता है, जैसे आपका पेंडुलम का या पेंडुलम होती है ना क्लॉक, उसका कैसा मोशन होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, जैसे आप प्लग करते हैं स्ट्रिंग ऑफ गिटार, गिटार बजाते हैं वो वाइब्रेट करता है, दैट इज नोन एज वाइब्रेशन मोशन। पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं, जब मोशन रिपीट्स करता है रेगुलर इंटरवल्स, जैसे अर्थ से मूव करता है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो क्या है आपका? पीरियोडिक मोशन, ठीक है, वो क्या लेता है? वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 देता है। मोशन दैट इज नॉट पीरियोडिक इज नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन, जो पीरियोडिक नहीं होता उसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल मोशन की, जब कॉम्बिनेशन होता है दो और दो से ज़्यादा मोशन का, जैसे आप मोशन ऑफ अर्थ एंड सन और मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, ये क्या है? कॉम्बिनेशन एंड लीनियर और रोटेशनरी मोशन का। तो इस टाइप के मोशंस को क्या कहा जाता है? रोटेशनरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। अ स्क्रू टर्न्ड विद अ स्क्रू ड्राइवर हैज रोटेशनल एज वेल एज लीनियर, ठीक है, वो रोटेशन में भी करता है और एस एस इधर उधर भी करता है, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पर एक पीरियोडिक, ट्रांसलेटरी, रोटेशनरी मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो, पीरियोडिक मोशन। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।